बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद दुआ जी। आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं जी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी। तो चिकन टिक्का बिरयानी बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो शुरू कर जी। तो ये मैंने बॉल लिया है, इसमें मैं 1 kg के आसपास ये चिकन है मेरे पास, लेग पीसेस हैं और ब्रेस्ट पीस हैं, ये मैंने कट कर लिए। ये देखे, लेग पीस को इस तरह कट लगा लिए और ये मैं ऐड कर दूँगी इस बॉल में जी। तो ये देखें, चिकन मैंने एक बॉल में ऐड कर दिया है। इसको अब मसाला लगाएंगे, टिक्का मसाला जो मैं घर पे रेडी करूँगी, टिक्का मसाला। तो शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं इसमें दही ऐड करूँगी, 2 बड़े चम्मच भर के। जी तो इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। जी तो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ऐड कर दिया। इसके बाद मेरे पास ये 1 चम्मच कुटी हुई सब्ज मिर्च है, ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें जी। तो इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। धनिया ऐड करेंगे 1 चम्मच, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून जी। तो थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे जी। तो तंदूरी मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून जी। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे इसमें, 2 चम्मच जी। तो इस इनको मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी। तो ये देखें, चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए मैंने चिकन को मसाला लगा दिया है, टिक्का मसाला, और इसको अब 20 मिनट के लिए मैं रखूंगी जी। तो ये देखें, बॉल मैंने लिया, इसमें मैं 2 कप चावलों के ऐड करूंगी, 1 कप हमारा ये आया जी। जी तो ये देखें, मैंने चावल ले लिए हैं 2 कप बड़े वाले, तो अब मैंने धो के भिगो दूँ जी। तो ये देखें, कढ़ाई मैंने रख दी, यहाँ पे मैं 2 चम्मच ऑयल लूँगी, ये देखें 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। और इसमें अब सारा चिकन ये ऐड कर दूँगी जो मसाला हमने लगा के रखा हुआ था। फ्लेम को बिल्कुल स्लो करेंगे जी। तो ये मैं चिकन इस तरह सारा ऐड इसमें करती जाऊंगी जी। तो ये देखें, मसाला मैंने सारा अच्छी तरह से लगा दिया है, और इसको मैं अब कवर करूंगी, स्लो फ्लेम पे पकाएंगे इसको, चिकन टिक्का को। तो ये देखें, पानी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया चावलों को बॉईल करने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, यह देखे तेज़पात लिए हैं, कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं, दालचीनी के टुकड़े और बिदयान का फूल, काली मिर्च साबुत, हरी इलायची और बड़ी इलायची और लौंग, अजवैत्री, और ये सारे मैं साबुत मसाले इसमें ऐड कर दूंगी पानी में, और चावलों को बॉईल करेंगे। साथ ही मैं इसमें नमक ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच भर के, 1.5। तो ये पानी हमारा बॉईल हो रहा है, इसमें चावल डालेंगे जी। तो ये देखें, जो चिकन हमारा ये देखें पक रहा है। अब मैं इसकी साइड थोड़ी सी चेंज करूंगी इसी तरह, सारे चिकन की साइडें चेंज करते जाएंगे जी। तो देखिए, ये चिकन की साइडें मैंने चेंज कर दी, इसको कवर कर दूंगी फिर से ताकि अच्छी तरह से पक सके जी। तो ये देखें, चिकन हमारा भी बिल्कुल गल गया और टिक्के हमारी तैयार है बिल्कुल
जी तो ये देखें चावल हमारे हो गए बॉयल, अब मैं पानी निकाल लूंगी पानी से। जी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यहाँ पे मैंने पतीला चढ़ा दिया है और यहाँ पे मेरे पास ऑयल है आधा कप, ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। जी तो साथ ही कुछ खड़े मसाले ये मैं ऐड कर दूंगी, दालचीनी के टुकड़े, लौंग, तेजपत्त और सब्ज इलायची और बड़ी इलायची। फ्लेम को ऑन करेंगे। ये तो मैं इसमें साथ ही प्याज ऐड कर दूंगी। ये तो प्याजों को ब्राउन करेंगे हल्का सा बिरयानी के लिए, चिकन टिक्का बिरयानी के लिए। जी तो ये देखें प्याज हमारे हो गए, इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, चार पांच मैंने टमाटर ग्राइंड कर लिए ये ऐड कर दूंगी। लाल मिर्च डालेंगे एक चम्मच, वन टीस्पून लाल मिर्च हमने पाउडर डाल दिया है और यहाँ पे हाफ चम्मच हल्दी डाल देंगे, सूखा धनिया डाल देंगे एक चम्मच, काली मिर्च डाल देंगे आधी चम्मच, जीरा पाउडर डाल देंगे एक चम्मच, गरम मसाला डाल देंगे आधी चम्मच और नमक डाल देंगे एक चम्मच और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब मिर्च डाल देंगे कुटी हुई एक चम्मच, बिरयानी मसाला है मेरे पास एक चम्मच ये ऐड कर दूंगी। आलू बुखारा सूखा ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे साथ। दही ऐड कर दूंगी एक प्याली। सारा धनिया ऐड कर दूंगी। जी तो यहाँ पे ये देखिए हमारा मसाला भी बिल्कुल रेडी हो रहा है। जी तो ये देखिए ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया चिकन टिक्का बिरयानी का, तो ये मैं थोड़ा सा निकाल लूंगी ऊपर डालने के लिए और कुछ नीचे डालेंगे तवे में। जी तो ये देखिए फ्लेम को बिल्कुल स्लो करेंगे और अब मैं इसमें चावल ऐड करूंगी जो हमने बॉयल किए हुए हैं। इस तरह तय बतय लगाएंगे चावलों की। जी तो चावल हमने इसमें ऐड कर दिए, अब मैं मसाला इसके ऊपर से डाल दूंगी इस तरह से। जी तो थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड कर देंगे, साथ ही मैं थोड़ा सा पुदीना इसमें ऐड कर दूंगी। फिर हम लोग इसकी तह लगाएंगे राइस की दोबारा से। जी तो यहाँ पे मेरे पास ब्राउन प्याज है ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। साथ ही पुदीना थोड़ा सा ऐड कर दूंगी।
थी जो हमने तिक्के चिकन तिक्के बनाए थे वो भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। तो साथ ही मैं इसमें राइस और ऐड कर दूंगी ऊपर से। और ये देखें इस तरह से जी। तो अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करूंगी थोड़ा सा। और मैं इसको कवर कर दूंगी आधे घंटे 20 मिनट के लिए। इसको दम पे रखेंगे इन चावलों को टिक्का बिरयानी को। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारी जो बिरयानी है बिल्कुल रेडी है। अब मैं डिश आउट कर लूंगी इसे। ये देखें बिल्कुल रेडी। अब मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिल्कुल आपको अलग अलग चावल नजर आ रहे होंगे। ये देखें तो ये मैं निकाल लूंगी। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आज की जो हमारी रेसिपी है टिक्का बिरयानी की बिल्कुल रेडी है और बहुत ही टेस्टी बनी। आप जरूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।